बाद दोनों बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इस आशा के साथ दोनों बच्चों को बड़ी कठिनाइयों में से पालन पोषण किया, लेकिन बड़े बेटे की मौत हो गई थी और छोटा बेटा घर पर कब्जा करने के लालच में अपनी माँ को ही धमकिया देता था। एक तरफ अपने बीमार पति, पोते पोती और बेटी की जिम्मेदारी से परेशान, तो वही दूसरी तरफ अपने ही बेटे से होने वाली प्रताड़ना से परेशान होकर 70 वर्षीय महिला को पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। पूरा मामला सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कलावंत कौर दर्शन सिंह गुरम अपने पति और बेटी के साथ रहती है। लड़की के पति का निधन हो गया है और दर्शन सिंह बीमार रहते हैं। 2013 में अपने बड़े बेटे और बहू की मृत्यु के कारण उनकी बेटी की जिम्मेदारी कलावंत कौर पर आ गई। ऐसी घड़ी में उन्हें अपने बेटे के सहारे की उम्मीदें थी, लेकिन जायदाद के लालच की वजह से उसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। कलावंत कौर का छोटा बेटा हरमित सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 17 साल से बल्लारपुर में था। वहां मकान बेचने के बाद वह 21 जनवरी 2011 को नागपुर में रहने आए। शुरू में उसका व्यवहार अच्छा था, लेकिन जनवरी 2012 के बाद उसकी पत्नी और वह छोटी छोटी बातों को लेकर घर के लोगों को गाली देने लगे। वह विधवा लड़की को घर से निकालने और घर उसके नाम करने के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे परेशान होकर कलावंत कौर ने भी 7 अप्रैल और 2 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिरियादी आए कलावंत कौर दर्शन सिंह गुरम या वय वर्ष 70 आहेत, बाबा दिसवी नगर या ठिकाणी त्यांची विधवा मुलगी त्यांच्यासह राहतात। तसेच त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा हरमित सिंग दर्शन सिंग गुरम हाही राहतो, त्याचं वय 42 आहे। फिर्यादी यांचं वय 70 वय, त्यांचे पती त्यांचं वय 80 आहे। दोघं वयोवृद्ध आहेत। यातील फिर्यादींच्या स्वतःच्या मालकीचं घर आहे। यातील जो आरोपी हरमित सिंग दर्शन सिंग गुरम हा वारंवार आई वडील यांना त्यांच्या मालकीचं घर स्वतःच्या नावे करून देण्यासाठी मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे असा प्रकार करत असतो। त्यातील फिर्यादी व वडील हे दोघंही वृद्ध आहेत, कुठलाही त्यांना कामधंदा करत नाहीत, कुठला इन्कम सोर्स नसताना त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच वैद्यकीय उपचार करणे ही त्यांच्या मुलाची जबाबदारी असताना त्यांचा मुलगा ही जबाबदारी टाळतो। त्यांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे। विधवा मुलीच्या नावे तिच्या पतीची 4000 रुपये पेन्शन येते, त्या पेन्शनवर संपूर्ण कुटुंब सध्या उदरनिर्वाह करीत आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।